कि दुआ जहरा को कत्ल किया जा सकता है, दुआ जहरा को जान से मारने की मंसूबाबंदी की जा रही है। सरकार वही हुआ जिसका डर था, जहीर की गिरफ्तारी के फौरन बाद दुआ जहरा को कत्ल कर दिया जाएगा। इकराल हसन को जहीर गैंग के किस करिंदे की जानब से दुआ जहरा को कत्ल करने की धमकी दी गई। और इकराल हसन के पास आखिरकार वो कौन सा सबूत हाथ लगा जिसके बाद इकराल हसन ने दुआ जहरा को कत्ल करने के दिल दहला देने वाले इंकशाफ किए। इस वक्त दुआ जहरा के वालिदैन पर क्या गुजर रही है, मेहदी अली काजमी के घर पर इस वक्त क्यामत टूट पड़ी है। इकराल हसन की जुबानी सुने। मारा जा सकता है, उसे जान से मारा जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो तमाम लोग जो कि दुआ जहरा केस में इस गैंग को बेनकाब कर रहे हैं, चाहे वो दुआ जहरा के वालिदैन हैं, चाहे वो साफी हैं, उन्हें लॉकडाउन किया जा सके, उन्हें ये बताया जा सके कि आपकी वजह से दुआ जहरा की जान गई है। इकराल हसन को जहीर गैंग की जानब से दुआ जहरा को कत्ल करने की धमकी मिलने के बाद इकराल हसन की जानब से दुआ जहरा केस की फिलफोर तहकीकात रोक दी गई। शादी की थी, इन तहकीकात के दौरान हम पर एक बहुत तहलका खेज इंकशाफ हुआ जिसकी बुनियाद पर फिल फौर हमने इन तहकीकात को रोकने का फैसला किया है। अपनी तमाम तरह इन्वेस्टिगेशन को हमने रोक दिया है। वो इदारे, इस मुल्क की तमाम अदालतें, इस मुल्क के तमाम मुतल्लिका फोरम्स, प्लीज इस खबर को, इस इंकशाफ को संजीदगी से। इकरारुल हसन ने अपने नए व्लॉग में हैरान कुन इंकशाफ करते हुए कहा, दुआ जहरा से हर इंटरव्यू में ये कहलवाया जा रहा है कि जहीर के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती, जहीर के बगैर मैं मर जाऊंगी। इकरारुल हसन ने बड़ा इंकशाफ करते हुए बताया कि ये सारे बयान दुआ जहरा से एक मंसूबे के तहत दिलवाए गए, क्योंकि आइंदा चंद घंटों में जहां पर जहीर की अबूरी जमानत खत्म होने जा रही है और जहीर को जेल हो सकती है, जहीर की गिरफ्तारी के फौरन बाद दुआ जहरा को कत्ल कर दिया जाएगा।